गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और आज की इस क्लास में 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मनी एंड बैंकिंग हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएं और सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ऑडियो एंड वीडियो दोनों सही चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। और बच्चों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें बच्चों, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें बच्चों। एक इन्फॉर्मेशन और है आपको मुझे देनी है कि मेरा दो कोर्सेज बच्चों हैं, पेड कोर्सेज इको पाठशाला पे। पहले कोर्स को हम गोल 2 के नाम से जानते हैं बच्चों, गोल 2। ये हमारा NTA UGC NET JRF इकोनॉमिक्स के लिए है, जिसमें मैं आप लोगों को वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, मॉक टेस्ट एंड सबसे बड़ी बात 24 आवर्स मेरा सपोर्ट आपके साथ रहता है। दूसरा कोर्स है बच्चों ब्रह्मास्त्र 2, जो गेट इन IIT जैम इकोनॉमिक्स के लिए है, और इस कोर्स में भी पूरे सिलेबस का, मतलब गेट इन IIT जैम का जो सिलेबस है, उस पूरे सिलेबस का हमने आपको वीडियो लेक्चर देना है, PDF नोट्स देना है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट है एंड 24 आवर्स मेरा सपोर्ट आपके साथ है बच्चों। तो बच्चों, जल्दी से आप लोग ज्वाइन होइए, जल्दी से आ जाइए बच्चों, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ, और फिर क्लास अगले 1 मिनट में हम स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी से आइए बच्चों, जल्दी से आ जाइए बच्चों, फटाफट जल्दी से आइए। और आज का जो क्वेश्चन है बच्चों, आज का जो पहला क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे है। चलिए बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर वन आपके स्क्रीन पे बच्चों आप देख सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रॉबैक ऑफ द बार्टर सिस्टम। गुड इवनिंग उज्ज्वल जी, इसमें से बार्टर सिस्टम का कौन सा ड्रॉबैक नहीं है, जल्दी से बताइए बच्चों, इसमें से बार्टर सिस्टम का ड्रॉबैक कौन सा नहीं है, बता सकते हैं बच्चों आप लोग, जल्दी से बताइए इसमें से बार्टर सिस्टम का कौन सा ड्रॉबैक नहीं है। इंडिविजिबिलिटी, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस, प्रॉब्लम ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, या फिर नन ऑफ द अबव, जल्दी बताइए बच्चों इसमें से कौन सा प्रॉब्लम ऑफ डबल को आपके पास मतलब बार्टर सिस्टम का ड्रॉबैक नहीं है। बच्चों आप लोगों को ऑडियो एंड वीडियो समझ में आ रहा है, सही आ रहा है बच्चों? एक बार मैं भी देख लेता हूँ कि ऑडियो एंड वीडियो आपको सही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से। इंडिविजिबिलिटी, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस या प्रॉब्लम ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। उज्ज्वल बोल रहे हैं कि बी है, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। और बच्चों नहीं बता पाएंगे आप लोग बच्चों, इसमें सब के सब ये प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम का ड्रॉबैक है। मतलब यदि आप बार्टर सिस्टम, पहली बात तो आप बताइए बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, पता है आप लोगों को बच्चों? बार्टर सिस्टम होता है C2C, यानी कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज, C2C, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज होता है। कमोडिटी टू कम मतलब आप एक कमोडिटी के लिए दूसरे कमोडिटी को एक्सचेंज करते हैं, उसे आप बार्टर सिस्टम कहते हैं बच्चों,
याद है आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है कि बार्टर सिस्टम का जो ड्रॉबैक है वो, मतलब मान लीजिए मुझे ये पेन एक नोटबुक से एक्सचेंज करना है, तो ना ही इस पेन को डिवाइड किया जा सकता है और ना ही उस नोटबुक को डिवाइड किया जा सकता है, इनडिविजिबल है। तो इनडिविजिबिलिटी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस है, यानी मेरे पास पेन है और मुझे नोटबुक चाहिए तो मुझे ऐसे आदमी को ढूंढने की ज़रूरत होगी जिसके पास नोटबुक है और वो पेन लेना चाहता है। प्रॉब्लम ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू ये भी है, क्योंकि कमोडिटी का मार्केट था तो कमोडिटी को आपको स्टोर करके भी रखना है, यानी आप इसको कह सकते हैं कि सब के सब ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम है। इट इज क्लियर टू एवरीवन बच्चों, सब के सब ड्रॉबैक टू द बार्टर सिस्टम है। अच्छा बच्चों, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी ये क्लास हर रोज रात को 9 बजे होती है, तो आप लोग बिना झिझक हर रोज रात को 9 बजे आप लोग इको पाठशाला के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लें। ये समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को? आगे बढ़ें, एक बार सब लोग मुझे हाय बोले, सब लोग मुझे हाय बोले प्लीज। क्वेश्चन नंबर टू आपके स्क्रीन पे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी सॉल्व द डैश प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। मतलब ये कि जो बार्टर सिस्टम का कौन सा प्रॉब्लम मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी सॉल्व करता है, यानी मनी का एक फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये बार्टर सिस्टम के कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, बता सकते हैं बच्चों आप लोग? ये बार्टर सिस्टम के कौन सा प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? बच्चों आप लोगों को पता है ये जो क्वेश्चन हमने बनाया है, मतलब इतना सटीक क्वेश्चन होता है ये कि इसमें सब कुछ आपको कंसेप्ट से लेकर के ट्रिक तक सब कुछ आपको इसमें याद हो जाता है बच्चों, एक एक करके। तो बच्चों मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी का एक फंक्शन है, इसे आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। ये बार्टर सिस्टम के किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बताइए बच्चों? इंडिविजिबिलिटी को सॉल्व करता है, या प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस को सॉल्व करता है, या प्रॉब्लम ऑफ स्टोर वैल्यू को सॉल्व करता है, बताइए बच्चों? ये सॉल्व करता है इंडिविजिबिलिटी को, यानी यदि आपके पास पैसा है तो आपको कोई प्रोडक्ट डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई प्रोडक्ट डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज सॉल्व द इंडिविजिबिलिटी प्रॉब्लम। गुड इवनिंग रितिका, गुड इवनिंग। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े, प्लीज बोलिए, आगे बढ़े बच्चों। किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ क्वेश्चंस लाइव का मतलब ही होता है कि आप लोग इंटरेक्ट करें हमसे, लाइव का यही मतलब होता है कि आप लोग हमसे इंटरेक्ट करें, ठीक है ना? और आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें बच्चों। दूसरी चीज़, इस क्लास के लिंक को अपने ग्रुप्स में शेयर करें, क्योंकि मेरा एक ही मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का बेनिफिट हो इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का बेनिफिट हो। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री आपके स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ डिमांड फॉर मनी इज एडेड बाय कीन्स, प्लीज बताइए आप लोग। मतलब ये कि इसमें से कौन डिमांड को अफेक्ट करने वाले। आपको याद होगा बच्चों कि मनी डिमांड जो है इज द फंक्शन ऑफ, मनी डिमांड इज द फंक्शन ऑफ इनकम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनकम रेट ऑफ इनकम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें से जो है कीन्स ने क्या ऐड करा, इसमें से कीन्स ने क्या ऐड करा बता पाएंगे आप लोग? इसमें से कीन्स ने क्या ऐड करा? उज्ज्वल मंडल कह रहे हैं कि ए, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। और सभी लोग सहमत हैं उज्ज्वल से? क्या आप सभी लोग सहमत हैं उज्ज्वल से कि नहीं? यस, ये आंसर है ए, ये आंसर है ए। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा सा समय तो लगता है लेकिन एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाता है। देखिए बच्चों, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में क्या कहते थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे कि मनी जो है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, या फिर आप इस तरह कह सकते हैं कि मनी जो है पब्लिक अपने पास पैसे रखती है इन ऑर्डर टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। तो यानी जितना इनकम होगा उतना ही ज़्यादा एक्सचेंज होगा गुड्स एंड सर्विसेज का। तो मनी एज ए फंक्शन ऑफ इनकम, यानी जितना इनकम होगा उतना डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा। सिमिलर चीज़ एक और इकोनॉमिस्ट ने कहा, मनी डिमांड प्रिकॉशनरी पर्पज के लिए रखा जाता है, यानी पब्लिक अपने पास पैसे रखती है फॉर प्रिकॉशनरी पर्पज, यानी अचानक से कभी पैसों की जरूरत पड़ गई, रात बिरात कभी पैसों की जरूरत पड़ गई तो उस लिए पैसे हम अपने पास रखते हैं। तो यहाँ पर भी आप इनकम का फंक्शन है। जब कीन साहब आए 1936 में, तो उन्होंने ये कहा कि पब्लिक या तो पैसे अपना वेल्थ या तो कैश के रूप में रखती है या फिर रखती है बॉन्ड के रूप में। और बॉन्ड की प्राइस ऑफ बॉन्ड नीचे होता है तो पब्लिक खरीद लेती है, अब जब प्राइस ऑफ बॉन्ड ऊपर जाता है तो पब्लिक उसको बेच देती है, और प्राइस ऑफ बॉन्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिसाइड होता है। यानी मनी डिमांड जो है इनके अनुसार फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कीन्स ने रेट ऑफ इंटरेस्ट का फैक्टर यहाँ पे डाला। गुड इवनिंग जुआओं की आवाज़, गुड इवनिंग बच्चे, आज आप हमारी क्लास में नए हैं, अच्छी बात है। ये बात क्लियर समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को? आ गया समझ में कि नहीं आया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर आपके स्क्रीन पे है, आप इसे देख सकते हैं बच्चों। देखिए, सपोज मनी डिमांड इज इक्वल्स टू 0.5y माइनस 5r एंड द नॉमिनल मनी सप्लाई इज 500 एंड एवरेज प्राइस लेवल इज 5, व्हाट इज द स्लोप ऑफ LM कर्व इन अ क्लोज इकोनॉमी एंड द ओपन इकोनॉमी। इसको आप लोग बता सकते हैं बच्चों, इफ इनकम इज 600, इफ इनकम इज 600। तो आपको याद है बच्चों कि LM का जो इक्वेशन होता है, मनी डिमांड इज इक्वल्स टू मनी सप्लाई, है ना बच्चों?
मनी डिमांड इज इक्वल्स टू मनी सप्लाई, मनी डिमांड आपके पास क्या है 0.5 वाई माइनस 5 आर इज इक्वल्स टू रियल मनी सप्लाई यानी 500 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि प्राइस यहाँ पे 5 है, रियल मनी सप्लाई होता है। यानी ये देखिए प्लीज, 0.5 वाई माइनस 5 आर इज इक्वल्स टू 100, है ना 100। अब देखिए इनकम की वैल्यू भी यहाँ पे दी गई है 600, तो 0.5 इंटू 600 माइनस 5 आर इज इक्वल्स टू 100, ठीक है बच्चों, यानी 300 माइनस 5 आर इज इक्वल्स टू 100, और ये इस साइड जाएगा तो 200 माइनस 5 आर इज इक्वल्स टू 0। और आप कह सकते हैं कि 5 आर, ये देखिए प्लीज, 5 आर इज इक्वल्स टू 200, है ना बच्चों। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि स्लोप क्या है, ये तो एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे आर निकल गया कितना 200 डिवाइड बाय 5, तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 50, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका निकल गया। लेकिन आपका स्लोप ऑफ LM क्या होता है बच्चों, DR बाय DY, और ये कैसा होता है बच्चों, K बाय H, याद है आप लोगों को K क्या है, कोफिशियंट ऑफ इनकम, कोफिशियंट ऑफ इनकम, और H क्या है, कोफिशियंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये देखिए कोफिशियंट ऑफ इनकम और ये क्या है, कोफिशियंट ऑफ ROI। तो यहां पे देख सकते हैं बच्चों कोफिशियंट ऑफ इनकम 0.5 है, 0.5, एंड कोफिशियंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.5 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 0.5 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 0.5 डिवाइड बाई 5 0.1, तो स्लोप आ गया इसका 0.1। स्लोप ऑफ LM क्या हो गया बच्चों, स्लोप ऑफ LM इज 0.1। इट इज क्लियर बच्चों, ये आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आया, प्लीज बताइए आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं। चालीस होगा, अच्छा ये वाला ना, हाँ ठीक है ये वाला 40 होगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये वाला 40 होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 40 आ गया और स्लोप ऑफ LM इज 0.1 आ गया बच्चों। इट इज क्लियर टू एवरीवन बच्चों, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि नहीं, समझ में आया बच्चों। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे बच्चों, प्लीज देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5, What is the total loan amount? What is the total loan amount in economy if initial deposit equals to 500 and the reserve ratio is 20%? बता सकते हैं आप लोग बच्चों, बता सकते हैं आप लोग,
कि टोटल लोन अमाउंट कितना होगा यदि इनिशियल डिपॉजिट इज 500 एंड रिजर्व रेशियो इज 20%। तो टोटल लोन कितना होता है बच्चों, पता है आप लोगों को बच्चों टोटल लोन कितना होता है? टोटल लोन इज इक्वल्स टू के 1/अल्फा -1 होता है, होता है बच्चों, पता है ना आप लोगों को। अब यहां पे के क्या है? 500 1/अल्फा 1/20 × 100 -1 है ना बच्चों। तो 500 माइनस या इनटू 5 - 1 देन इट्स गिव्स यू व्हाट, क्या आएगा बच्चों? 500 × 4 दैट इज 2000। क्लियर है बच्चों? तो टोटल लोन अमाउंट इज 2000। कहीं किसी तरह का कोई डाउट बच्चों आप लोगों को, किसी तरह का कोई डाउट है बच्चों प्लीज बताएं, किसी तरह का कोई डाउट हो तो बोलो बच्चों, किसी तरह का कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 को पे जाने के पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि इको पाठशाला पे मेरे 2 पेड कोर्सेज हैं बच्चों, गोल्ड 2 NTA UGC नेट JRF इकोनॉमिक्स के लिए एंड ब्रह्मास्त्र 2 गेट NIIT जैम इकोनॉमिक्स के लिए। इन दोनों कोर्सेज को मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आप चाहें तो पहली बार में ही आपका गेट क्वालिफाई हो सकता है या फिर नेट JRF क्वालिफाई हो सकता है। और आप लोगों को तो एक और फ़ायदा हो गया भी कि अब जो है आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस नहीं देना है। यदि आपका नेट क्वालिफाई हो गया तो आप जिस यूनिवर्सिटी में भी आप चाहें वहाँ पे आपका PhD में एडमिशन हो सकता है। मतलब जैसे पहले क्या था कि JNU अपना अलग एंट्रेंस लेता था, DU अपना अलग एंट्रेंस लेता था, क्या कहते हैं BHU अपना अलग एंट्रेंस, अब नहीं है। आप नेट क्वालिफाई हो गए तो आप उसके अनुसार आप उसमें वो हो सकता है, आपको सीट के अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे PhD में एडमिशन मिल सकता है। तो बच्चों यदि आप लोगों ने भी सपना देखा है कि आप JRF इकोनॉमिक्स क्वालिफाई करके कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने तो फिर आप देर मत कीजिए, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करें और लग जाइए अपने सपनों को साकार करने में। या फिर आप इस नंबर पे 9910569227 पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आप लोग, व्हाट इज द चेंज इन टोटल लोन अमाउंट इन एन इकोनॉमी एज कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर, मतलब पिछला क्वेश्चन नंबर है, एज कंपेयर टू द लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इसको हम लास्ट कहेंगे बच्चों, एज कंपेयर टू लास्ट क्वेश्चन, इफ इनिशियल डिपॉजिट इंक्रीज बाय 20% एंड रिजर्व रेशियो रिमेन 20, बता सकते हैं आप लोग? बताइए बच्चों, बता सकते हैं आप लोग क्या?
बता सकते हैं बच्चों आप लोग क्या चेंज होगा इसमें? यदि आपका इनिशियल डिपॉजिट 20% से बढ़ जाता है, पहले के नॉट कितना था बच्चों? के नॉट कितना था, यानी इनिशियल डिपॉजिट 500, के वन कितना हो जाएगा? के वन कितना होगा बच्चों? कैसे हैं विकास जी? 500 का 20% कितना होगा बच्चों? 500 का 20% कितना होगा? 100, दैट इज 600 हो गया ये। अब 600 पे टोटल लोन अमाउंट कितना होगा? तो के इंटू 1/20 इंटू 100 माइनस 1, दैट इज के इज 600, 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4, दैट इज 600 इंटू 4, दैट इज 2400। यानी चेंज कितना हुआ? पहले 2000 था, तो चेंज इन टोटल लोन अमाउंट इज इक्वल्स टू 400। क्लियर है बच्चों? चेंज इन टोटल लोन अमाउंट इज 400। समझ पा रहे बच्चों आप लोग कि नहीं? आप लोग प्लीज कुछ लिखते रहिए, कुछ बोलते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। कोई बात नहीं, आपकी आपकी ग्रैंड मॉम का भगवान आत्मा की शांति दे, और आप पहले उधर देख लीजिए फिर आप क्लास करिएगा। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, इनिशियल बैंकिंग सिस्टम विल इंक्रीज मनी सप्लाई, डिक्रीज मनी सप्लाई, नॉट अफेक्ट मनी सप्लाई, या फिर नन ऑफ द अबव। यानी यदि बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छा हो, यदि बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छा हो तो क्या मनी सप्लाई बढ़ेगा, घटेगा, या फिर कोई अफेक्ट नहीं होगा? बता पाएंगे आप लोग? बच्चों जब बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छा होगा तो उस केस में आप पब्लिक ज़्यादा पैसे बैंक में रखेगी, क्योंकि उसको निकालने में समय नहीं लगेगा और डिपॉजिट करने में समय नहीं लगेगा, तो इसलिए उसकी मनी सप्लाई वहाँ पे, क्योंकि डिपॉजिट बढ़ेगा और डिपॉजिट बढ़ने की वजह से मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, डियर मनी आर दोज मनी ऑन विच ROI is very high, ROI is very low, only available to the public authority, या फिर none of the above। जल्दी बताइए क्या हो सकता है, जल्दी बताइए बच्चों। डियर मनी आर दोज मनी ऑन विच, मतलब डियर मनी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होता है, या फिर इट इज ओनली अवेलेबल टू पब्लिक अथॉरिटी। बता सकते हैं बच्चों आप लोग? इट इज वेरी हाई, ROI इज वेरी हाई। आंसर इज ROI इज वेरी हाई। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज द थ्योरी ऑफ हाउ मनी सप्लाई डिटरमिन्ड, हाउ इंटरेस्ट रेट डिटरमिन्ड,
हाउ नॉमिनल वैल्यू ऑफ एग्रीगेट इनकम इज डिटरमाइंड, बता सकते हैं बच्चों इसका आंसर क्या होगा? द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज द थ्योरी ऑफ, मतलब क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या कहता है कि हाउ मनी सप्लाई डिटरमाइंड, हाउ इंटरेस्ट रेट डिटरमाइंड, या फिर हाउ नॉमिनल वैल्यू ऑफ एग्रीगेट इनकम इज डिटरमाइंड। बहादुर सिंह जी थैंक यू, थैंक यू, आप हमारे क्लास में आए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्वेश्चन। बट आप लोग रेगुलर, मैं तो रेगुलर आ रहा हूँ, आप लोग रेगुलर आ ही नहीं रहे, आप लोग रेगुलर नहीं आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा हो रहा है क्लास, क्या हम क्लास को अल्टरनेट कर दें? विकास जी हम क्लास को अल्टरनेट कर दें क्या? क्योंकि हर रोज़ आने से आप लोगों को भी समय नहीं मिल पा रहा है। क्लास को अल्टरनेट कर दिया जाए क्योंकि आप लोग नहीं आ पाते हैं। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज द थ्योरी ऑफ हाउ नॉमिनल वैल्यू ऑफ एग्रीगेट इनकम इज डिटरमाइंड, इसका आंसर यहां पे सी होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। द एवरेज नंबर ऑफ टाइम दैट अ डॉलर इज स्पेंड इन बाइंग ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड इज नोन एज, जल्दी बताइए बच्चों। द एवरेज नंबर ऑफ टाइम दैट अ डॉलर इज स्पेंड इन बाइंग टोटल अमाउंट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, बता सकते हैं आप लोग बच्चों क्या कहते हैं उसको, क्या कहेंगे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहेंगे या फिर स्पेंडिंग मल्टीप्लायर कहेंगे या फिर मनी मल्टीप्लायर कहेंगे या फिर वेलोसिटी ऑफ मनी कहेंगे? नो बच्चों, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मनी, इट इज अ वेलोसिटी ऑफ मनी कहेंगे इसको, क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे वेलोसिटी ऑफ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए प्लीज। इफ मनी सप्लाई इज 500, इफ मनी सप्लाई इज 500 एंड नॉमिनल इनकम इज 3000, देन द वेलोसिटी ऑफ मनी इज, देन द वेलोसिटी ऑफ मनी इज 66 या फिर 1/6? नहीं विकास जी, नहीं, इट इज 6, दिस इज आंसर इज बी, बिकॉज 3000 डिवाइडेड बाय 500 दैट विल बी 6। 60 क्यों होगा बहादुर सिंह? 60 क्यों होगा, क्यों होगा 60? 60 नहीं होगा जी, आपने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं कल से क्या कर रहा हूँ बच्चों, कल से क्या कर रहा हूँ कि जैसे मैं कल एक वीडियो डालूँगा, एक कंसेप्ट का वीडियो डालूँगा, तो वीडियो में मैं पढ़ाऊँगा और फिर उसी कंसेप्ट से परसों क्वेश्चंस करेंगे। आई रिपीट अगेन, ध्यान सुनिए, कल मैं एक वीडियो डालूंगा और उसी कंसेप्ट से परसों उससे क्वेश्चंस करेंगे लाइव क्लास में,
क्योंकि हर रोज लाइव क्लास में आप लोग आ नहीं रहे, ठीक है ना। तो कल एक वीडियो डालेंगे और उसी वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 12। द वेलोसिटी ऑफ मनी इज डिफाइंड एज पी प्लस एम प्लस वाई, पी इंटू एम बाय वाई, वाई इंटू एम बाय पी, पी इंटू वाई बाय एम। क्या आंसर होगा बच्चों इसका, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। थैंक यू बहादुर सिंह जी, अच्छी बात है। बट जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उस पर क्वेश्चंस करेंगे फिर, ठीक है ना। जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उस पर क्वेश्चंस किया जाएगा नेक्स्ट लाइव क्लास में। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। बच्चों आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हाँ कल किसी भी एक कंसेप्ट पे मैं वीडियो डालूँगा, और परसों वाली लाइव क्लास में, मतलब यानी कि कल कोई लाइव क्लास नहीं है, परसों वाली लाइव क्लास में उस टॉपिक से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।